भाई आपको तो अब तक पता चल ही चुका होगा कि हमारे इंडिया में बैटल ग्राउंड गेम आ चुका है, तो अभी हमारे पास वही अपॉर्चुनिटीज है जो कि आज से 3-4 साल पहले इन बड़े बड़े स्ट्रीमर्स के पास थी, जो कि आज 20-25 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यह डिस्कस करेंगे कि जब बैटल ग्राउंड इंडिया में आ चुका है तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिससे कि आप एक गेमिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक गेमर हैं तो आपको एक गेमिंग चैनल स्टार्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी आपका चैनल बहुत ही जल्द ग्रो करेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में जो बैटल ग्राउंड गेम आया है इसका डाउनलोड काफ़ी तेज से बढ़ रहा है, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अगर आप इसके ऊपर एक चैनल बनाते हो, अपना गेमिंग चैनल बनाते हो, तो वह चैनल काफ़ी तेज ग्रो करेगा। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप एक गेमिंग चैनल क्रिएट करते हैं तो उस पर आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है करने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आप आखिरी तक और ध्यान से देखते रहिए। तो भाई अगर आप एक गेमर है तो आपको 2021 में गेमिंग चैनल स्टार्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि नया एप्लीकेशन आया है, नया व्यूअरशिप बढ़ रहा है, सब कुछ नए तरीके से हो रहा है। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है आपको इसको नहीं गंवाना चाहिए। अगर आप एक गेमर हो, गेम खेलते हो, तो एक नया चैनल क्रिएट करो। तो वहां पर आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो गेमिंग चैनल का काम होता है वह लाइव स्ट्रीम करना। तो अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप फोन से भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। आपको क्या चाहिए, एक माइक चाहिए और फोन होना चाहिए बढ़िया सा, तो वहां से दोस्तों आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। लेकिन आपको लाइव स्ट्रीम करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होगा, वहां पे काफी दिक्कत आ जाती है। और आप जब शुरुआत करते हो तो घर वाले भी परमिशन नहीं देते कि भाई तुम एक गेमिंग चैनल करो, और चैनल भी कैसे गेमिंग वाला। तो अगर आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं, आपके पास इतना समय नहीं हो पा रहा है, या फिर आप इतने एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं अपने चैनल में, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप गेम खेलें तो उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लें और वहाँ पे जो सो बेस्ट पार्ट होता है उसको कट करके आपस में जोड़ दें और उसको डेली एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। अब ये तो दोस्तों आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, आप तो बैटल ग्राउंड ऐसे ही खेलने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देना है और उसके बाद आपको वीडियो काइनमास्टर में जाके एडिट करना है और 2-3 वीडियो या फिर 2-3 पार्ट को जोड़ के एक कर देना है और उसको अपलोड कर देना है। और शुरुआती में दोस्तों आपको लंबा वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप 4 से 5 मिनट का वीडियो बना सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका वीडियो यहाँ से चल सकता है। अब भाई एक प्रॉब्लम और आएगी, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप डेली वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी पता है कि स्टडी करने के साथ साथ वीडियो अपलोड करना कितना मुश्किल होता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको डेली वीडियो अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वीक में 2 या फिर 3 वीडियो अपलोड कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आप वीक में 2 वीडियो एटलीस्ट तो अपलोड कर ही सकते हो, आपके स्टडी पे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसे भी गेम खेलते ही आप, और एडिटिंग में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आपको गेमिंग चैनल का एडिटिंग करना है तो आपको सिर्फ पार्ट काट के जोड़ देना है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें वॉइस ओवर की, तो जब आप गेम खेल रहे होते हो तो उस समय माइक लगा सकते हो और बीच में बोल सकते हो कुछ भी, जो आप बड़े बड़े स्ट्रीमर्स को देख के सीख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं उनके लिए जो सबसे मुश्किल होता है गेमिंग चैनल ओपन करना, वो क्या कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं या फिर गेम खेलने का आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यदि आपको बैटल ग्राउंड के अंदर का पूरा मतलब उसके पूरे फीचर्स यानी टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, तो आप अपने चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि अगर आप बैटल ग्राउंड में नए हैं तो आप कहाँ पे उतरेंगे जहाँ की सेफ रहेगा, आप वहाँ से आपको मरने का चांस बहुत ही कम है, या फिर ऐसे ही, या फिर आप कैसे मारेंगे कि किसी को हेड शॉट लग जाए, या फिर ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लोगों को दे सकते हैं, या फिर लोगों को सिखा सकते हैं कि भाई इस तरीके से खेलने से आपका लेवल बढ़ेगा, या फिर कुछ भी, या फिर चिकन डिनर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हैं जो कि आपको उसके अंदर का पता है, लेकिन आपको गेम खेलने का टाइम नहीं मिलता है। यदि आपको गेम खेलने का टाइम मिलता है तो आपको गेम प्ले वीडियो जरूर डालना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है तो भाई आप टिप्स एंड ट्रिक्स ही दे सकते हो, आपका चैनल यहाँ से भी ग्रो करेगा। अब दोस्तों कोई भी यूट्यूब चैनल हो, अगर उसको ग्रो करना है तो सिर्फ एक ही मंत्र है, क्वालिटी कंटेंट बना और डेली 1% इम्प्रूव करो। तो अगर आपको एक गेमिंग चैनल क्रिएट करके उस पर आगे बढ़ना है, उससे कुछ नेम फेम और मनी कमाना है, तो आप कर सकते हो, आप डेडिकेशन के साथ फुल पैशन के साथ काम करो। 1000 रीजन हो आपके गेमिंग चैनल को ना चलने का, लेकिन कोई एक रीजन तो होगा जिसकी वजह से लोग आपके यूट्यूब चैनल को वॉच करेंगे या फिर उनको यह चैनल पसंद आएगा। सो आई होप दोस्तों आपके वीडियो काफी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने गेमिंग चैनल का नाम सोचो।